आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उपेंद्र अनमोल। आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि नोबल पुरस्कार जो है क्यों दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबल कौन थे। जैसा कि आप YouTube वीडियो में देख रहे होंगे, थंबनेल में सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे अल्फ्रेड नोबल कौन थे और नोबल पुरस्कार क्यों दिया जाता है और जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है उसमें क्या खास बातें हैं, और इससे रिलेटेड सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी नोबल पुरस्कार और अल्फ्रेड नोबल के बारे में। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग लगातार YouTube पर जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है, और साथ में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे IAS के एग्ज़ाम में और PCS के एग्ज़ाम में अच्छे प्रश्न बनते हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पिछले 15 वर्षों से मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिविल सेवा के मार्गदर्शन के काम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी 8 किताबें सिविल सेवा पर IAS एग्ज़ाम के लिए आती हैं और कुछ किताबें जो है स्टेट PCS के लिए भी आती हैं। विशेषकर मैं जो है अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं तकनीकी का शिक्षण करता रहा हूँ और इसी से जुड़े हुए अनेक संस्थाओं से, भारत सरकार के अनेक संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनसे रिलेटेड गतिविधियों में मेरी भूमिका रहती है। आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे नोबल पुरस्कार। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं सुना है तो आप सुनेंगे जानेंगे। 21 अक्टूबर 1933 को अल्फ्रेड नोबल का जन्म स्वीडन में स्टॉकहोम में हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ, और सब आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वीडन कहाँ पे है। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये एक साथ 3 देश हैं, बाल्टिक सागर के ऊपर है, बिल्कुल बाल्टिक सागर के किनारे ही स्टॉकहोम है। इसी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को, 1833 को अल्फ्रेड नोबल का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को, 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। अल्फ्रेड नोबल का जब जन्म हुआ तो उस समय उनके पिताजी जो है व्यवसाय में जुड़े हुए थे और उनकी अपनी एक छोटी मोटी फैक्ट्री भी थी, खासकर जो उनका व्यवसाय था कृषि के लिए औजार बनाना, कृषि के लिए इक्विपमेंट्स बनाना, और साथ ही साथ जो है माइनों, जो खादान है, खादानों को खोदने के लिए जो औजार भी बनाना और साथ में उसके लिए गन पाउडर वगैरह का उत्पादन करना, और कुछ जो है अन्य कुछ अन्य पदार्थ भी इनके पिताजी बनाते थे। अल्फ्रेड नोबेल बहुत छोटे ही थे, 1842 में इनके पिताजी वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग रूस चले गए। सेंट पीटर्सबर्ग आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको लेनिनग्राद भी पहले कहा जाता था, ये भी वहीं बाल्टिक सागर के किनारे ही रूस का शहर है, तो वहाँ चले गए। वहाँ ये रूस की जो तत्कालीन सरकार थी उसके लिए काम करने लगे और उसके लिए कृषि के औजार बना बना करके उपलब्ध कराते थे, और साथ में रूस में तमाम खादानें हैं तो उन खादानों से जो है तमाम मिनरल्स निकालने के लिए गन पाउडर का उत्पादन करते थे, रूस की सेना को भी सप्लाई करते थे, और जानते हैं, और ऐसे तमाम गतिविधियों से जुड़े थे। तो काफ़ी दिनों तक इसलिए अल्फ्रेड नोबेल का जो है रहना रूस में भी हुआ। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, अच्छा, उससे इनके पिताजी ने थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया तो इनके परिवार में आय का साधन बढ़ा, जिससे अल्फ्रेड नोबेल और इनके जो भाई थे इनको पढ़ने का अवसर मिला, और अल्फ्रेड नोबेल को पेरिस पढ़ने के लिए भेजा गया। पेरिस में अल्फ्रेड नोबेल उनसे मिले जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था। इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल को USA भी भेजा गया था, 1 साल अल्फ्रेड नोबेल USA भी थे, लेकिन बाद में वहाँ से लौट आए, और अंततः इनके पिताजी भी रूस से लौट करके दोबारा स्टॉकहोम में अपनी फैक्ट्री चलाने लगे, और उसमें जो है तमाम प्रकार के गन पाउडर, विस्फोटकों का उत्पादन जो है होने लगा, और उसकी बिक्री वगैरह पूरे यूरोप और अनेक देशों में वो करते थे। लेकिन 1864 में आप जानते होंगे एक दुर्घटना हुई कि पूरे फैक्ट्री में जो है आग लग गई, विस्फोट हो गया, इन अल्फ्रेड नोबल के अपने भाई भी
उसमें मारे गए। अंततः तब जा कर के अल्फ्रेड नोबल ने ये निर्णय लिया कि अच्छा विस्फोट क्यों हुआ था, नाइट्रोग्लिसरिन के कारण विस्फोट हुआ था। नाइट्रोग्लिसरिन जो है एकाएक ज्वलनशील होने के कारण पूरा विस्फोट हो गया, तो नाइट्रोग्लिसरिन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उसे सुरक्षित सिलेंडरों में भरा जाए या उसे पैकेट में बनाकर रखा जाए, इस पर अल्फ्रेड नोबल ने काम करना शुरू किया। और 1866 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और 1867 में डायनामाइट को पेटेंट करवाया अपने नाम से। इस डायनामाइट के आविष्कार से इनकी फैक्ट्री को खड़ा करने में इनको बहुत आसानी हुई, क्योंकि डायनामाइट का की बहुत डिमांड बढ़ गई। डायनामाइट का उपयोग जो है खदानों को खोदने अर्थात खानों को खोदने में और तमाम विकास कार्यों में भी डायनामाइट का उपयोग होता है। आप जानते होंगे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ मान लीजिए सड़क बनाना है, पहाड़ों को तोड़ना है, तो डायनामाइट लगा के आसानी से पहाड़ को तोड़ा जा सकता है, रास्ता बनाया जा सकता है। कहीं पे आपको जो है पुल बनाना है और कोई चट्टान या कोई चट्टान का टुकड़ा चुनौती बन रहा तो उसको तोड़ा जा सकता है, नहीं तो लाखों मजदूर लगा के जो काम किया जा सकता है वो डायनामाइट से बहुत आसानी से। तो चूँकि विकास कार्यों में भी डायनामाइट का उपयोग होने लगा था और जो है खानों को खोदने में भी इसका उपयोग होता था, सेना भी इसका उपयोग करती थी, इसलिए अनेक देशों के द्वारा डायनामाइट की डिमांड की गई और अल्फ्रेड नोबल की फैक्ट्री से उसकी सप्लाई की गई, जिससे अल्फ्रेड नोबल बहुत रिच हो गए, बहुत धनी हो गए। माना जाता है कि यूरोप के कुछ धनियों में इनका नाम आने लगा। अल्फ्रेड नोबल ने कुल 355 आविष्कार किए, लेकिन वो ज़्यादा फेमस हुए डायनामाइट के कारण, और इसी डायनामाइट के कारण ही वो बहुत ज़्यादा रिच भी हुए और उनकी समृद्धि बढ़ी, बहुत ज़्यादा संपत्ति उनके पास आई। यद्यपि आप सभी लोग ने सुना होगा कि अल्फ्रेड नोबल आजीवन अविवाहित रहे, शादी विवाह नहीं किया, एकाकी ही जीवन जीते रहे और जो है डायनामाइट के आविष्कार से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, प्रचलित हो गए। लेकिन डायनामाइट का आने वाले समय में विध्वंसक उपयोग ज़्यादा होने लगा, खासकर सेना में इसका जब उपयोग होने लगा तो शत्रु देश के लोग इससे प्रभावित होने लगे, तमाम सैनिकों को मारा जाने लगा, अनेक लोगों को, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा विचलित थे अल्फ्रेड नोबल। और एक बार तो उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा कि वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, कई बार तो कई रात वो सो नहीं पाए और अपने इस आविष्कार पर पश्चाताप करने लगे कि उनसे ये आविष्कार हो गया। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने जो है अखबार पढ़ा, तो सुबह सुबह अखबार आया था, उस अखबार में पढ़ा, उस अखबार में लिखा हुआ था, गलती से इनका नाम छप गया था कि अल्फ्रेड नोबल मारे गए, मारे गए लोगों की लिस्ट थी उसमें अल्फ्रेड नोबल भी का नाम था। अल्फ्रेड नोबल ने अपना ही नाम देखा तो लिखा, देखा कि इस, फिर सोचा कि इसी तरीके से हमारी भी न्यूज़ बनेगी आगे, जब मैं मरूंगा और हमारा नाम निकलेगा तो उस पर लिखा रहेगा कि मौत का सौदागर मारा गया या डायनामाइट का राजा मारा गया या विस्फोटकों का आविष्कारक मारा गया। उन्होंने सोचा कि इस तरीके से हमारे बारे में छपेगा और हमारी छवि जो है अच्छी नहीं मानी जाएगी और लोग हमें अच्छे काम के लिए नहीं जानेंगे, बल्कि हमारा जो नाम होगा वो बुरे काम के लिए जाना जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनके जीवन भर की जितनी भी कमाई रही है और डायनामाइट से भी जो कमाई आई है, अब उसका प्रयोग जो है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। और इसीलिए उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखी तो अपनी वसीयत में कहा कि उनके पूरे जीवन की संपत्ति एक ट्रस्ट को, ट्रस्ट के पास होगी, वो ट्रस्ट मानवता के लिए जिन लोगों ने पूरी दुनिया में अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी भी देश के हों, मानवता के लिए जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया है चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको उससे पुरस्कृत किया जाएगा। और जब 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई, उनकी वसीयत मिली, उस वसीयत को पढ़ा गया तो उसमें देखा गया कि उनकी वसीयत में ये पूरी बात लिखी हुई है कि उनकी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को होगी, एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसमें जो संपत्ति उन्होंने दान दी है उसी के ब्याज से भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, मेडिसिन, चिकित्सा, लिटरेचर, साहित्य और पीस
शांति के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि शुरू में 5 ही पुरस्कार दिए जाते थे और बाद में 1967 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया और 1968 से इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो उन्होंने उस समय 5 पुरस्कारों की बात की थी कि उनकी जो संपत्ति होगी बैंक में जमा होगी और उसके ब्याज से 5 पुरस्कार दिए जाएंगे नोबेल के, नोबेल पुरस्कार फॉर फिजिक्स, नोबेल पुरस्कार फॉर केमिस्ट्री, नोबेल पुरस्कार फॉर मेडिसिन, नोबेल पुरस्कार फॉर लिटरेचर एंड नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। ये 5 प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे। जैसा उन्होंने वसीयत में लिखा था उसी के अनुसार जो है 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन का की नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कर दी गई, नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट बना दिया गया और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और आप जानते होंगे फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो रॉन्टजन को मिला था जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, और जो है केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार वांट हाफ को दिया गया था, तो जिन्होंने आयनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था। तो उनके अनुसार ये जो है पुरस्कार दिया जाने लगा और तब से लेकर के अगर 2019 की बात करें तो कुल 110 पुरस्कार जो है दिया जा चुका है अभी तक, और 110 पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, 110 पुरस्कार अभी तक दिया जा चुका है। और जो है नोबेल पुरस्कार का सम्मान पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब सबसे पहली बात तो देखा, ये तो आपने देखा कि ये अल्फ्रेड नोबेल की जीवनी रही, अल्फ्रेड नोबेल का किस तरीके से जीवन रहा, मतलब ब्रीफ में कहा जाए तो 21 अक्टूबर 1833 1833 में इनका जन्म हुआ और 10 दिसंबर 1896 में 1896 में इनकी मृत्यु हुई। पूरे जीवन अविवाहित रहे, लेकिन जो है रसायन वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में कार्य करते रहे। 355 आविष्कार किया, लेकिन 1867 में डायनामाइट का आविष्कार जो इन्हीं के नाम से पेटेंट हुआ उसके लिए सबसे अधिक जाने गए, और इसी डायनामाइट के आविष्कार से इन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब समृद्ध हुए और यूरोप के कुछ जानते हैं उद्योगपतियों में इनका नाम आ गया, और अंततः उसी से विचलित भी हुए, पश्चाताप भी किया कि डायनामाइट का उपयोग इन्होंने जैसा सोचा था वैसा जो है नहीं रहा, उसका जो दुखद उपयोग विनाशकारी उपयोग होने लगा। इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने जो है अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान देने का निर्णय अपनी वसीयत में लिया, उसी के अनुसार नोबेल फाउंडेशन बना और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अब थोड़ा सा मैं डायनामाइट के बारे में भी बात कर लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से जो है डायनामाइट का आविष्कार एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। देखिए डायनामाइट का आविष्कार जो हुआ है वो नाइट्रोग्लिसरीन के प्रयोग करने पर आधारित है। पहले जो विस्फोटक प्रयोग किए जाते थे उनसे धुआं निकलता था, तो धुआं रहित विस्फोटक बनाने का श्रेय अल्फ्रेड नोबेल को जाता है जिसमें धुआं नहीं निकलता था। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल ने देखा जो नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार तो जो है फ्रांस के वैज्ञानिक ने किया था, नाइट्रोग्लिसरीन का 20% 40% 60% 70% 75% उपयोग करके डायनामाइट बनाया जाता है। 75% अगर नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाए तो सबसे अच्छा डायनामाइट माना जाता, सबसे प्रबल और शक्तिशाली होता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन चूँकि बहुत ज़्यादा विध्वंसक, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है, कहीं भी जल जाता है, तो सबसे ज़्यादा अल्फ्रेड नोबेल ने इसी पे वर्क किया। बल्कि इनके भाई की भी डेथ 1864 में 1864 में हुई थी, इनके कारखाने में जो विस्फोट हुआ था, इसीलिए विस्फोट हुआ था क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन में इग्निशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ज्वलनशीलता बहुत ज़्यादा होती है और उससे पूरी फैक्ट्री जल गई। तो इन्होंने अपना रिसर्च 1864 के बाद इसी बात पे फोकस किया कि कैसे नाइट्रोग्लिसरीन को कंट्रोल किया जाए। फिर इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिला करके इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया और सिलेंडर में भरने योग्य बनाया, पैकेट में भरने योग्य बनाया, और इसी के बाद जो है डायनामाइट का बहुत ही सुरक्षित उपयोग शुरू हुआ। डायनामाइट का ट्रांसपोर्टेशन संभव हो गया, डायनामाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया, नहीं तो रास्ते में कई बार डायनामाइट से विस्फोट हो जाता था। तो ये सुरक्षित नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग कैसे किया जाए,
नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे पैकेट में भरा जाए, सिलेंडर में कैसे भरा जाए, उपयोग में लाया जाए, इस पर इन्होंने काम किया। दूसरा, इन्होंने धुआं रहित बारूद या विस्फोटक के आविष्कार में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इसीलिए जानते हैं पूरे यूरोप में इनको जाना गया, क्योंकि यूरोप में अधिकतर पहाड़ है, ऊंची नीची ज़मीन है, तो ऊंची नीची ज़मीन को समतल करने के लिए एक तरीका है कि आप मजदूर लगाइए, तमाम यंत्रों का प्रयोग करिए, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है, और एक है डायनामाइट लगा करके विस्फोट कर दीजिए, सब प्लेन हो जाता है। तो डायनामाइट का इसीलिए बहुत रोल है। अगर आप भारत में भी देखें, हिमालयी क्षेत्र में भी, उत्तराखंड में आल वेदर रोड बनाई जा रही, चारधाम का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें डायनामाइट का उपयोग किया जा रहा है। डायनामाइट लगा लगा करके जो है हम चीज़ों को प्लेन कर रहे हैं, बहुत आसानी से सड़क बनाना या कोई भी काम हो जाता है। तो ये अल्फ्रेड नोबल का बहुत बड़ा जो है योगदान माना जाता है। ये तो आपने समझ लिया कि अल्फ्रेड नोबल कौन थे। अब इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है 1901 से इनके नाम से 5 पुरस्कार की शुरुआत हुई, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य और शांति का नोबल पुरस्कार, और 67 में घोषणा हुई, और 1968 से अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिया जाता है। लगभग 6.5 करोड़ की राशि दी जाती है नोबल पुरस्कार जो प्राप्त करता है। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 200 ग्राम 23 कैरेट वाले सोने का एक पदक भी दिया जाता है। उसमें एक साइड में अल्फ्रेड नोबल का चित्र बना होता है और उस पर उनकी जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि लिखी होती है, और उसी 200 ग्राम वाले जो 23 कैरेट सोने का पदक होता है उसके दूसरे साइड यूनानी देवी आयरिस का चित्र होता है, और जो व्यक्ति नोबल पुरस्कार पा रहा होता है उसका नाम अंकित होता है। 200 ग्राम सोने का भी आप जानते हैं कितना कीमत होती है, अगर आज के हिसाब से देखा जाए करीब 8 लाख के आसपास, 7.5 से 8 लाख रुपए का, तो यही हो गया। यही जो है पुरस्कार, जब यही पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को जो है दिया जाता है। 10 दिसंबर को जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो उस समय स्वीडन का राजा ये पुरस्कार देता है। नोबल पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथ से दिया जाता है। नोबल पुरस्कार डिसाइड कौन करता है? नोबल पुरस्कार की एक कमेटी होती है जिसमें 5 लोग शामिल होते हैं। उनमें जो उसका अध्यक्ष होता है उसको चुनता है काउंसिल, किंग काउंसिल, जो स्वीडन की किंग काउंसिल है उसके अध्यक्ष को चुनता है, फिर 4 सदस्य चुने जाते हैं। कुल मिला के 5 लोग नोबल पुरस्कारों पर विचार करते हैं, और इन्हीं की कमेटी के द्वारा नोबल पुरस्कार पाने वाले लोगों को चुना जाता है, और अंततः उनकी घोषणा की जाती है। तो ये जानते हैं नोबल पुरस्कार के बारे में रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो है नोबल पुरस्कार से क्या लाभ होता है और क्या जानते हैं इसका महत्व है। तो देखिए, महत्व ये है कि पहली बात तो इससे जो है अनेक क्षेत्रों में, जो पूरी दुनिया में कल्याणकारी कार्यों में लगे हुए लोग हैं, जो मानवता के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी कार्यों को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत करने से ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। एक तरीके से कहा जाए तो मानवता के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों में यह प्रोत्साहक और प्रेरक पुरस्कार है। अनेक लोग जो है इस पुरस्कारों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को मानवता के कल्याणकारी कार्यों में लगा देते हैं। खुद अल्फ्रेड नोबल ने अपने वसीयतनामे में ये लिखा था कि जो मेरी संपत्ति है, इस संपत्ति को स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया जाएगा, और इसकी ब्याज से जो पुरस्कार दिया जाएगा वह पुरस्कार सर्वोच्च योग्य व्यक्ति को दिया जाए, चाहे वह स्वीडन का हो या स्वीडन का नहीं हो, लेकिन सर्वोच्च योग्य व्यक्ति को पुरस्कार मिले। तो इसके नाते जानते हैं इस पुरस्कार की बहुत गुणवत्ता है, और साथ में जिसको पुरस्कार दिया जाता है उसके कद को ऐतिहासिक मान लिया जाता है। जिसको ये पुरस्कार नहीं मिलता माना जाता है कि उसका कद उतना बड़ा नहीं हुआ है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि नोबल पुरस्कार पाने से ही आपका कद बड़ा हो जाएगा, अनेक ऐसे लोग रहे जिनको नोबल पुरस्कार नहीं मिला है लेकिन वो बहुत कद वाले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन सामान्यतः एक धारणा है, एक बहुत
बड़ी धारणा है, बहुत बड़ा परसेप्शन है, और इस परसेप्शन के पीछे यह भी है कि अति महत्वपूर्ण लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता, बहुत महत्वपूर्ण खोजों के लिए पुरस्कार दिया जाता। अगर आप फिजिक्स में ही देखें तो जो बहुत बड़े बड़े आविष्कार हैं, जिन आविष्कारों ने मानवता की दिशा और दशा तय की है, जिन आविष्कारों ने मानव जीवन की दिशा तय की है, जो मानव जीवन और उनमें परिवर्तन के लिए मील के पत्थर रहे हैं, ऐसे आविष्कारों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान में भी आप देखेंगे तो माइलस्टोन अचीवमेंट के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा में देखेंगे तो जिसने चिकित्सा और दवा और सर्जरी में दिशा और दिशा को बदलने का काम किया है, लोकस और फोकस को बदलने का काम किया है, उन सभी आविष्कारों के लिए पुरस्कार दिया गया है। यद्यपि आप जानते होंगे कि थोड़ा पीस नोबल प्राइज़ फॉर पीस और नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर का जो पुरस्कार दिया जाता है, इसमें माना जाता है कि कुछ अन्याय भी रहा है कई बार, जानते हैं, ये पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर के, राजनीति से प्रभावित होकर के भी दिया जाता है, और इस नाते जानते हैं इन पुरस्कारों के ऊपर तमाम अंगुलियां उठती हैं। लेकिन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मेडिसिन का, या कहें कि अर्थशास्त्र का जो नोबल पुरस्कार है, यह बिल्कुल एकदम निरपेक्ष जैसा लगता है, और इस इन पुरस्कारों का जो है मूल्य होता है, निश्चित रूप से सर्वोच्च कार्य करने वाले लोगों में से लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इस पुरस्कार का एक इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस है, मतलब यह इतिहास बना देता है ये पुरस्कार। नंबर दो, ये जो है मानवता के कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रेरक साबित होता है। नंबर तीन, इन्हीं पुरस्कारों से प्रेरित होकर दुनिया के अनेक देशों में विज्ञान के विकास को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई, शांति को बढ़ावा देने वाले कार्यों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई, साहित्य को संरक्षित और बढ़ावा देने वाले पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो इससे जानते अनेक देशों में देखा जाए तो जो है उच्च कार्यों को संरक्षण मिलने लगा और बौद्धिक कार्यों को संरक्षण मिलने लगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, 21वीं सदी बौद्धिक संपदा की सदी है, ज्ञान और चेतना की सदी मानी जाती है, शोध और बोध की सदी मानी जाती है, और नोबल पुरस्कार उसी शोध और बोध को संरक्षित करता है, जिसके नाते 21वीं सदी में नोबल पुरस्कारों की भूमिका और महत्व और बढ़ जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो बौद्धिक संपदा को वैश्विक रूप से मान्यता देने का काम भी नोबल पुरस्कार के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेंस में आ जाए कि नोबल पुरस्कार क्या है, नोबल पुरस्कारों का क्या महत्व है, 150 शब्दों में मान लीजिए लिखने के लिए आ जाए, तो आप डिफाइन कर देंगे कि नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से दिया जाने वाला एक नोबल पुरस्कार है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन डायनामाइट का विध्वंसक कार्यों में उपयोग होने के नाते ये इन्होंने पश्चाताप किया और अंततः निर्णय लिया कि अब मानवता के लिए जो सर्वोच्च भलाई या कल्याणकारी जो कार्य हैं उनके लिए हम योगदान देंगे, और उसी योगदान के लिए इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट को देने का निर्णय लिया, और उसी ट्रस्ट के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार नोबल पुरस्कार कहलाता है, और 1901 से यह पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन से यह पुरस्कार दिया जाता है, स्वीडन में स्टॉकहोम से। केवल जो नोबल प्राइज फॉर पीस है वो पुरस्कार जो नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से दिया जाता है, बाकी सारा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे नोबल पुरस्कारों के का महत्व, तो पहले लिखेंगे कि नोबल पुरस्कारों से विश्व मानवता के लिए कल्याणकारी कार्य जो किए जाते हैं उनको बढ़ावा, नंबर दो सृजनकारी कार्यों के लिए प्रेरक का काम करना, नंबर तीन आप कहेंगे कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय पहल करना, नंबर चार आप कहेंगे कि अनेक देशों में विज्ञान, साहित्य, शांति आदि के कार्यों में प्रेरक की भूमिका निभाना, और पूरी दुनिया में जानते हैं शोध, अनुसंधान, नवाचार की दिशा और दशा को तय करना, और साथ ही साथ जो है सृजन और उसमें उससे इसकी जुड़ी हुई भूमिकाओं की भी बात आप करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नोबल पुरस्कार जो है क्या रहा है और उसका क्या महत्व रहा है। तो अल्फ्रेड नोबल के बारे में भी आप जानें और साथ में इस पुरस्कार के बारे में भी जानें और इसके महत्व के बारे में जानें। आप सभी लोगों ने जो है हमें सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दोबारा हम लोग नए विषय पर मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।
Never miss an update.